नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत कार्रवाई कर रेत के अवैध परिवहन में लिप्त एक डंपर को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिए हैं। राजसात किए गए डंपर की नीलामी की कार्यवाही इस प्रकरण में अपील अवधि के पश्चात सम्पन्न कराने और वहां नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय खजाने में जमा कराने को कहा गया है। 24 सितम्बर 2021 को अपराह्न 4:40 पे चांगोटोला पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के दौरान चांगोटोला में डंपर को रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। वाहन चालक राजेश नंदा द्वारा खनिज रेत के परिवहन संबंधित प्रस्तुत ईटीपी के अनुसार 14 घन मीटर रेत के परिवहन के लिए सिवनी जिले की बरघाट तहसील के ग्राम घूंट से 24 सितम्बर 2021 को अपराह्न 4:27 पर ईटीपी नीमच जिले के खरीदार सोनू के लिए जारी की गई थी और उसे उगली केवलारी नीमच जाना था, लेकिन ईटीपी जारी होने के मात्र 4 मिनट बाद ही डंपर सिवनी जिले के ग्राम खूट से 68 किलोमीटर दूर बालाघाट जिले के चांगोटोला में पकड़ा गया। रेत का अवैध परिवहन करने पर डंपर को जब्त कर पुलिस थाना चांगोटोला की अभिरक्षा में रखा गया था। जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह प्रकरण कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान वाहन मालिक नई मंसूरी पिता श्री शेख हमीद मंसूरी निवासी नैनपुर जिला मंडा द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण अमान्य किया गया है। खनिज रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में लिप्त पाए जाने के कारण डंपर को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिए गए हैं।